नमस्कार मित्रों, अभियान सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम देखेंगे तीसरे दिन का T20 प्लान। इससे पहले बहुत सारे मित्र पूछ रहे हैं कहां से हम पेपर को अपलोड करेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो इसके लिए मैं बता दूं कि गूगल पे आप जाइए और अभियान सिविल सर्विसेज टाइप करिए। इससे अभी पेज खुल रहा है तो मैं दिखा दे रहा हूं, कॉर्नर पे आपको मिलेगा अभियान T20 फॉर UPPCS। यहां पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन खुल के आएंगे, इधर दिख नहीं रहा है, तो ये पेपर है, साइड में PDF का ऑप्शन बना होगा, उसको क्लिक करेंगे पूरा पेपर खुल के आ जाएगा। यहां पे देख सकते हैं आप, पेपर खुल के आ जाएगा, वहां पे डाउनलोड का ऑप्शन कॉर्नर में मिलेगा आपको। यहां से अभी आज से हम हिंदी वाला और इंग्लिश वाला अलग अलग बना रहे हैं, तो यहां पे पेज खुलेगा अभी, तो ये पेपर आ गया पूरा। अभी डे वन का देख लीजिए, डे वन का ये पेपर है, ये पूरा पेपर, इसको आप कॉर्नर पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मित्रों आइए देखते हैं तीसरे दिन का पेपर देखेंगे। ये पेपर इंग्लिश में है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के कम लोग हैं, कल मैंने इंग्लिश में पढ़ दिया था तो कुछ प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को, तो आज मैं हिंदी में ही क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी का और इंग्लिश का अलग अलग कर दिया गया है आप लोगों की सुविधा के लिए। अंतर्राष्ट्रीय विमानन शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया, हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई, नई दिल्ली, तो इसका सॉल्यूशन भी हिंदी में अलग है और इंग्लिश में अलग है। पहले का सॉल्यूशन देखेंगे, नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विमानन शिखर सम्मेलन संगोष्ठी संयुक्त रूप से विमानपत्तन प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ ITA द्वारा आयोजित किया गया। विजन 2035, अगले 10 से 15 वर्षों में 60 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश के साथ भारत में 100 नए हवाई अड्डों का निर्माण करने की योजना बना रहा है, और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कराधान और प्रौद्योगिकी के उपयोग जैसे विमानन उद्योग से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर यहां बात हुई। दूसरा प्रश्न देखेंगे, परमाणु सुरक्षा सूची साहित्यकार सूचकांक 2018 में हथियार प्रयोग योग्य परमाणु सामग्रियों में चोरी रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है, तो प्रौद्योगिकियों की चोरी के लिए एक रैंकिंग बनाई गई है परमाणु सुरक्षा सूची, तो इसमें भारत का स्थान है 19वां, उत्तर होगा बी, इसका सलूशन हम देख लेंगे, 19वें स्थान पर है और पाकिस्तान जो है 46 स्कोर के साथ 44वें पे है, 44 के स्कोर के साथ 20वें पे है, इसके एक नीचे दूरी, 94 अंक पाकर के स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है, और ये 88 जापान और जर्मनी, कनाडा, जापान और जर्मनी उसके बाद है। उत्तरी कोरिया को छोड़कर अन्य सभी देशों में सुधार दिखाई दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, फेसबुक का पहला एशियन डेटा सेंटर कहां पर खोला गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूरोप को छोड़कर पहली बार एशिया में अपना डेटा सेंटर खोल रहा है फेसबुक, तो उत्तर होगा इसका डी, इसका सोल्यूशन देख लेंगे हम। सिंगापुर में अपना पहला एशिया डेटा सेंटर, एशियाई डेटा सेंटर खोलने के लिए फेसबुक ने कितने बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा, $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट 2022 में खुलने की उम्मीद है। नई साइट सिंगापुर के पश्चिमी हिस्से में स्थित तंजोज क्लिंग में है, उससे पहले उस क्षेत्र में डेटा सेंटर पार्क है वहां पे। फेसबुक दुनिया भर में 15 अन्य डेटा केंद्र चलाता है, ज्यादातर अमेरिका और यूरोप में है, जैसे आयरलैंड और स्वीडन में भी है। अगला प्रश्न देखेंगे, सत्य कथनों का चयन करना है, इसमें पहला है भारत के पहले वेब वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन 2018 MOVE का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। नीति आयोग द्वारा आयोजित सम्मेलन का मुख्य विषय भारतीय शहरों को प्रदूषण मुक्त करना है, तो ये हैदराबाद में नहीं हुआ है, ये नई दिल्ली में हुआ है।
पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। उत्तर हो जाएगा केवल दो, बी। इसका सोल्यूशन देख लेंगे हम। एक मिनट। पहली गतिशीलता, भारत की पहली वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन दिल्ली में किया, और इसका मुख्य केंद्र भारतीय शहरों को प्रदूषण मुक्त करना है। नीति आयोग द्वारा यह किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। गूगल ने वैज्ञानिकों के लिए एक नए सर्च इंजन का वो किया है, लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो डेटा सेट सर्च, कॉम्पैक्ट सर्च, बिग डेटा सर्च और मेगा डेटा। तो इसका उत्तर होगा ए, डेटा सेट सर्च। सोल्यूशन देख लेंगे। गूगल ने वैज्ञानिकों के लिए नया खोज इंजन जारी किया है डेटा सेट सर्च के नाम से। इस इंजन के द्वारा डेटा पत्रकारों और अन्य लोगों को उनके काम के लिए आवश्यक डेटा खोजने में मदद के लिए कई भाषाओं में काम करता है। नया सर्च इंजन अकादमिक अध्ययन व रिपोर्ट के लिए कंपनी के लिए लोकप्रिय खोज इंजन गूगल की तरह ही काम करेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छठा। WHO दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर पूनम सिंह, दलवीर सिंह, उमा महाजन या ज्योत्सना सूरी? तो डॉक्टर पूनम सिंह को किया गया है, ये दूसरी बार इनको नियुक्त किया गया है। WHO का क्षेत्रीय दक्षिण पूर्व एशिया जो हेड बनाया गया इनको, देख लेंगे। डॉक्टर पूनम सिंह ने क्षेत्रीय निदेशक WHO की दूसरी अवधि के लिए मनोनीत किया गया है। ये प्रश्न पूछ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी जानना जरूरी है। वह भारतीय नागरिक सेवा, विश्व बैंक और WHO के लिए शानदार करियर के बाद WHO दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय निदेशक की स्थिति चुने जाने वाली पहली महिला है। क्योंकि पहली महिला जहां भी आ जाएगा तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है। WHO 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ है, और WHO का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में जेनेवा। अगला प्रश्न देखेंगे, सातवां। BSNL ने हाल ही में किस खिलाड़ी को 2 वर्ष के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विराट कोहली, हिमा दास, मैरी कॉम और पीवी सिंधु? तो उत्तर होगा सी, मैरी कॉम। इसका देख लेंगे सोल्यूशन। भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम ने BSNL द्वारा 2 साल तक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हस्ताक्षर किए मसौदे पे। 2 साल की अवधि के लिए किया गया। BSNL के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। BSNL का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। इस समय श्री अनुपम श्रीवास्तव इसके CEO है। अगला प्रश्न देख लेंगे, आठवां। टाइफून JBY ने हाल ही में किस देश में भारी तबाही मचाई है? तो अमेरिका, चीन, जापान, रूस, ये ऑप्शन में है। उत्तर हो जाएगा आपका सी। सोल्यूशन देख लेंगे इसका। टाइफून JBY ने जापान में 25 साल का सबसे मजबूत तूफान माना गया है। ये 25 वर्षों में जापान के सबसे शक्तिशाली तूफान JBY ने कम से कम 10 लोगों की मौत हुई है। 216 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं दर्ज की गई हैं। यह घटना 6.6 तीव्रता के भूकंप ने जापान के उत्तरी द्वीप होकाइडो पर भूस्खलन का कारण बना। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? शिंजो आबे। अगला प्रश्न देखेंगे। सुरेश प्रभु ने कॉफी स्टॉक होल्डर के लिए किस नाम से एक ऐप जारी किया है? कॉफी के लिए एक ऐप जारी हुआ है, तो उसका नाम क्या है? कॉफी सेलेक्ट, कॉफी कनेक्ट, कॉफी प्रोडक्ट या कॉफी सेल? तो ये कॉफी कनेक्ट है। उत्तर हो जाएगा इसका बी। सॉल्यूशन देखेंगे। सुरेश प्रभु ने कॉफी स्टॉक होल्डर्स के लिए प्रौद्योगिकी पहल की शुरुआत की है। सुरेश प्रभु ने कॉफी कनेक्ट इंडिया, कॉफी फील्ड फोर्स ऐप और कॉफी कृषि थारंगा नई दिल्ली में एक समारोह में काफी हितधारकों के लिए डिजिटल मोबाइल एक्सटेंशन सेवाएं लॉन्च की। इसका मुख्य उद्देश्य उत्पादकता, लाभप्रदता और पर्यावरणीय स्थिरता बढ़ाने के अनुकूलित जानकारी और सेवाएं प्रदान करना है। अगला प्रश्न देखेंगे, दसवां।
हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा शार्क की एक प्रजाति की खोज की गई है जो सर्वाहारी है, ओमनिवोर्स है। ये शार्क जो होती है खास करके मांसाहारी होती है, तो ये बोनेट हेड शार्क है, उत्तर हो जाएगा सी। बुल शार्क, टाइगर शार्क और व्हेल शार्क, इनके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। शार्क से 2-3 बार यूपीपीसीएस में क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। सॉल्यूशन देखेंगे, बोनेट हेड शार्क ये क्या है? वैज्ञानिकों द्वारा पहचाने जाने वाली पहली ज्ञात सर्वव्यापी नहीं है, सर्वाहारी है ये शार्क प्रजाति है। मुख्य तथ्य है इसके इसके 60% आहार में सी ग्रास होता है। हड्डी, मछली, केकड़ों, घेघों और झींगा खाने के अलावा प्रजातियां सी ग्रास पर चराई कर जाती हैं। बोनेट हेड शार्क पश्चिमी अटलांटिक के उथले पानी में पाई जाती है, मैक्सिको की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। हालांकि शार्क मानकों के छोटे वयस्क मादाएं लिंगों का बड़ा अभी भी एक प्रभावशाली 5 फीट लंबा तक पहुंच सकता है। स्तनपान के लिए सर्वोत्तम रूप से उपयुक्त दांतों की कमी शार्क पौधों की कोशिकाओं को कमजोर करने के लिए मजबूत पेट एसिड पर भरोसा करता है ताकि एंजाइमों का पाचन कर सके। तो इनमें विशेष प्रकार के एंजाइम हैं, उनके द्वारा यह पाचन क्रिया होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व हिंदू कांग्रेस के बारे में सत्य कथनों का चयन करें। विश्व हिंदू कांग्रेस हाल ही में शिकागो के यूएस में आयोजित किया गया। यह प्रति 4 वर्ष पर आयोजित किया जाता है, तो ये दूसरा था। उत्तर हो जाएगा इसका 4 वर्ष पे है, पहला इससे पहले हुआ था, तो उत्तर सी हो जाएगा। दोनों कथन सत्य हैं। इसका सलूशन देख लेंगे हम। दूसरी विश्व हिंदू कांग्रेस शिकागो इलिनोइस यूएस में आयोजित किया गया था। यह हिंदू सिद्धांत सुमंत्राइट सुविकेंद्र या थिंक कलेक्टिवली कलेक्टिवली से प्रेरित है, जो वास्तव में उपलब्ध है। शिकागो में विश्व धर्म की संसद में स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक जो उनका वो हुआ था, एड्रेस किए थे शिकागो सम्मेलन को, उसकी 125वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर दुनिया भर के हिंदुओं और सभी पृष्ठभूमि के सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। और मोहन भागवत जी भी उसमें शामिल हुए थे, भारत से काफी मात्रा में लोग गए थे। विश्व हिंदू कांग्रेस हिंदुओं को जोड़ने, विचार साझा करने, एक दूसरे को प्रेरित करने और आम अच्छे काम को प्रभावित करने एवं वैश्विक मंच का एक वैश्विक मंच है। इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में मानव अधिकारों, भेदभाव, सांस्कृतिक हमलों सहित दुनिया भर के हिंदुओं को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहाँ पे बहस हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, सत्य कथनों का चयन करना है। पहला विम्स्टेक फील्ड अभ्यास औंध महाराष्ट्र में आयोजित किया गया, यह पुणे में है, उत्तर सही है। नेपाल ने इस अभ्यास में भाग लेने से मना कर दिया, तो यह बहुत स्ट्रेटजिक मामला है। चीन के दबाव के कारण नेपाल ने इसमें भाग नहीं लिया था, तो ये गलत, ये सही है, उत्तर हो जाएगा सी। दोनों कथन सही है, देख लेंगे इसका सोल्यूशन। महाराष्ट्र के पुणे में औंध में विदेशी प्रशिक्षण नोड में पहला बिम्स्टेक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास किया गया। भारत, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और नेपाल समेत बिम्स्टेक सेनाएं भाग लेंगी, ये पहले की न्यूज है, लेकिन इसमें नेपाल ने भाग नहीं लिया था। इस सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य सदस्य राज्यों के बीच सामरिक संरेखण को बढ़ावा देना और आतंकवाद के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है। अगला प्रश्न देखेंगे, इथेनॉल ब्लेंडेड, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम है ये इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के बारे में सत्य कथनों का चयन करें। इसे सरकार द्वारा 2003 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ऊर्जा आवश्यकताओं की निर्भरता को कम करना है, उत्तर दोनों सही है, उत्तर हो जाएगा सी। इसका देख लेंगे हम सॉल्यूशन, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल ईबीपी कार्यक्रम, इसके बारे में हम देख लेंगे। इसे 2003 में सरकार द्वारा पायलट आधार पर लॉन्च किया गया था, जिसे वैकल्पिक और पर्यावरणीय अनुकूल ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अधिसूचित 21 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ा दिया गया है।
इसका उद्देश्य पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रण करना और इसे जैव ईंधन की श्रेणी में लाया जाता है जा सकता है। ईंधन आयात में कटौती करके लाखों डॉलर बचाया जा सकता है। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम तंत्रालय या तेल विपणन कंपनियों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। यह हस्तक्षेप भी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आयात निर्भरता को कम करने और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने की मांग करता है। उत्तर हो जाएगा अगला देखेंगे, नोमैडिक एलिफेंट। 2018 के बारे में सत्य कथनों का चयन करें। यह मंगोलिया और भारत के बीच प्रतिवर्ष किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है, सही है। 2006 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है, सही है। 2018 में यह अभ्यास मंगोलिया के उलनबटोर शहर में आयोजित किया गया। उलनबटोर मंगोलिया की राजधानी है, तो तीनों कथन सही है। उत्तर हो जाएगा डी, इसका सोल्यूशन देख लेंगे हम लोग। नोमैडिक एलिफेंट 2006 से एक वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास है जिसे भारतीय सेना और रंगेलाई सशस्त्र बलों के बीच साझेदारी को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत ग्रामीण और शहरी प्रदेश के संयुक्त काउंटर विद्रोह आतंकी अभियानों के सामरिक और तकनीकी कौशल में सुधार करेगा। मंगोलिया के बारे में कुछ यहाँ पे दिया गया है। मंगोलिया पूर्वी एशिया में एक लैंडलॉक्ड संप्रभु राज्य है। यह चीन के बीच दक्षिण और रूस के उत्तर में सैंडविच है। ये चीन के दक्षिण में है और रूस के उत्तर में है, दोनों के बीच में सैंडविच है ये। यह कजाकिस्तान के पीछे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भूमिगत देश है, और सबसे बड़ा भूमिगत देश है जो बंद समुद्र पर सीमा नहीं लगाता है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? कजाकिस्तान, उसके बाद मंगोलिया हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ई विद्या भारती व ई योग भारती नेटवर्क परियोजना के बारे में सत्य कथनों का चयन करें। इसके माध्यम से 5 वर्षों 2009 से 17 तक अफ्रीका के 48 साझेदार देशों पर लागू किया गया। इसका उद्देश्य अफ्रीकी देशों को भारत द्वारा टेली शिक्षा व टेली मेडिसिन प्रदान करना है। तो दोनों सही है। उत्तर हो जाएगा इसका सी। आइए सोल्यूशन देख लेते हैं। विदेश मंत्रालय और दूरसंचार कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड ने ई विद्या भारती और ई योग भारती, इसको ई वी बी ए बी बोला जाता है, नेटवर्क परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस परियोजना को भारत और अफ्रीका के बीच ज्ञान और स्वास्थ्य के डिजिटल पुल के रूप में जाना जाता है। ई वी बी ए बी नेटवर्क क्या है? यह मुख्य रूप से एक तकनीकी अपग्रेड और पैन अफ्रीकी नेटवर्क प्रोजेक्ट है। 2009 से 2017 तक अफ्रीका के 48,000 देशों में लागू किया गया था। परियोजना के चरण एक में सफलतापूर्वक टेली शिक्षा प्रदान की और भाग लेने वाले अफ्रीकी देशों के साथ भारत के शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को जोड़कर टेली मेडिसिन सुविधाएं देता है। ये 5 साल की परियोजना की अवधि में 4,000 छात्रों को विभिन्न शैक्षणिक विषयों पर निःशुल्क टेली शिक्षा पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। ये इस परियोजना का उपयोग अफ्रीकी डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ को मुफ्त निरंतर शिक्षा 1,000 वर्ष प्रदान करने के लिए भी किया जाएगा। 1,000 वर्ष, ये कुछ देख लीजिएगा, 1,000 वर्ष है या क्या है? इसके अलावा इस परियोजना के माध्यम से भारतीय डॉक्टर उन अफ्रीकी डॉक्टरों को मुफ्त चिकित्सा परामर्श प्रदान करेंगे जो इस तरह की परामर्श लेते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 16वां, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में सत्य कथनों का चयन करें। इसे अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत छोटे व्यापारियों को 50,000 से लेकर के 10 लाख रुपए तक उधार देना है। तो इसे 2016 में नहीं, 2015 में लॉन्च किया गया था। डेट हम देख लेते हैं अभी। उत्तर हो जाएगा केवल बी। सोल्यूशन देखेंगे हम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया था। यह योजना का उद्देश्य मुख्य क्या है देख लेते हैं। छोटे उधारकर्ताओं को दिए गए मुफ्त ऋण को पुनर्वित्त करना है। इसकी योजना 20,000 करोड़ रुपए के द्वारा छोटे उद्यमियों को 50,000 से लेकर के 10 लाख रुपए के बीच उधार देना है। मुद्रा के सदस्य उधार संस्थान बनने के बाद बैंक और MFI मुद्रा योजना के तहत पुनर्वित्त आकर्षित कर सकते हैं।
इसके तहत तीन योजनाएं हैं, शिशु इसकी तरफ 50,000 रुपए तक की मिल सकती है इसमें राशि, इसमें 50,000 से 5 लाख तक, किशोर बोलते हैं इसको, तरुण में 5 लाख से 10 लाख रुपए तक। 17वां प्रश्न देखेंगे, एथिक्स कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था, तो ये 2000 में हुआ था, सोल्यूशन पढ़ लीजिएगा। जनजातीय सर्किट के बारे में सत्य कथनों का चयन करें, जनजाति सर्किट हाल ही में छत्तीसगढ़ में जनजाति सर्किट का उद्घाटन किया गया था, इसके तहत राज्य के 13 जिलों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, दोनों कथन सही हैं, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के बारे में सत्य कथनों का चयन करें, इसका उद्देश्य किसानों को के उत्पादों को उचित मूल्य MSF जो MSP होती है उसके लिए ये अन्नदाता योजना है, उचित मूल्य प्रदान करना है, और इसके तहत तीन योजनाएं बनाई गई हैं। तीन योजनाएं कौन सी हैं हम देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ वाला आप देख लीजिएगा, सरकार के समर्थन किसानों को पहल के बढ़ावा देने के लिए अन्नदाता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दिखाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई अम्ब्रेला स्कीम लॉन्च की है, प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान है ये, संक्रानन लिख दिया है, इसको पीएम आशा भी कहते हैं। इस योजना का लक्ष्य किसानों को 2018 के लिए केंद्रीय बजट में घोषित किए गए अनुसार उनको उत्पाद का लाभकारी मूल्य देना है। इसके तहत तीन योजनाएं हैं, मूल्य समर्थन योजना PSS, मूल्य कमी भुगतान योजना PDPS और निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना PPPS जो पायलट प्रोजेक्ट है। लास्ट प्रश्न देख लेंगे हम, ब्लॉकचेन क्या है, ये काफी चर्चा में है तो इसको देख लीजिएगा, यह एक डेटा सुरक्षा टेक्निक है, इसके बारे में देख लेंगे थोड़ा सा। ब्लॉकचेन एक नई डेटा संरचना है जो सुरक्षित क्रिप्टोग्राफी आधारित है और नेटवर्क में वितरित की जाती है, तकनीकी जैसे बिटकॉइन जैसे क्रिप्टोक्रोपियों का समर्थन करती है और कोई भी डेटा या डिजिटल संपत्ति का हस्तांतरण करती है। बिटकॉइन द्वारा नेतृत्व में ब्लॉकचेन वितरित नोड्स के बीच सर्वसम्मति प्राप्त करते हैं जिससे लेन देन केंद्रीकृत प्राधिकरण की आवश्यकता के बिना डिजिटल सामानों को हस्तांतरण की इजाजत मिलती है। वर्तमान ब्लॉकचेन पारिस्थितिकी तंत्र प्रारंभिक इंटरनेट की ही तरह है, एक अनुमोदित नवाचार वातावरण जैसे कि ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW जो है, नेपस्टा, स्काइपी, उबर, ये सब जो चेन है वे काफी सेफ होती है, तो ब्लॉकचेन का उपयोग हम सेफ्टी के लिए कर सकते हैं। मित्रों अगर प्रोग्राम में और कोई सुझाव देना है तो आप दे सकते हैं, वैसे अब ये प्रोग्राम लगातार चलता रहेगा और दोनों माध्यम के लिए पेपर अलग अलग आप उस पर देख सकते हैं, वेबसाइट से डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं, और अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।